हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो बहुत ही जो इस बीच एकदम पॉपुलर खबर चल रही थी वो ये कि योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब से ऐलान किया था कि वो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये बात अब फाइनल हो गई है। फाइनल इसलिए हो गई है क्योंकि इन्होंने जमीन लैंड को भी ढूंढ निकाला है जहां पे ये बनाएंगे यूपी की फिल्म सिटी और जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी होने वाली है। तो आइए इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, बट चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो देखिए यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने लैंड ले ली है नियर जेवार एयरपोर्ट यूपी की फिल्म सिटी को बनाने के लिए। और इनका कहना है कि हम ऐसी बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर आएगा, सिंगल विंडो काम होगा, लोगों को इधर उधर भाग के परेशानी नहीं लेनी पड़ेगी और फिल्म के लोग जो कि इससे रिलेटेड हैं, आपके फिल्म से रिलेटेड हैं, अगर वो कोई प्रपोजल देते हैं, कोई सजेशन देते हैं तो उनकी बातें सुनी जाएंगी और उन्हें प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके बहुत ही अच्छे से हम फिल्म सिटी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे काफी सारे लोगों ने इनकी तारीफ करी है इस स्टेप को लेके। कई सारे लोगों ने कहा है बहुत अच्छा स्टेप है देश के लिए। आप भी अपना स्टेप मुझे बताइए कि आपने क्या सोचा है और इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बट उसके पहले यहाँ पे हम फैसिलिटीज देखते हैं क्या क्या दी जाएंगी। तो देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में प्रॉपर इन्होंने बताया है कि कहाँ क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी इस यूपी की फिल्म सिटी के अंदर। प्रोडक्शन स्टूडियो होगा, आउटडोर लोकेशन होंगी, पोस्ट प्रोडक्शन सिस्टम्स होंगे, एक स्पेशल इफेक्ट का स्टूडियो भी होगा, होटल्स होंगे, वर्कशॉप होगी, अम्यूजमेंट पार्क होगा, फिल्म यूनिवर्सिटी होगी, फिल्म म्यूजियम होगा, रिटेल एंड शॉपिंग। तो कितना कुछ है, बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज देने की यहाँ बात करी गई है। मेन पर्पस क्या है, मेन एजेंडा इस फिल्म सिटी को बनाने का है कि हमें यहाँ पे प्रमोशन करना है फिल्म के प्रोडक्शन का, हमें फिल्म के प्रोडक्शन का ये प्रमोशन करना है इनको, साथ ही साथ प्रमोशन भी करना है यहाँ पे आपके जो फिल्म टूरिज्म है उसको भी। तो आप जानते हैं कि जो पिक्चरें बनती हैं, जो फिल्म्स बनती हैं, अच्छा खासा ये रेवेन्यू है देश के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसलिए इनको प्रमोट करना इनके प्रोडक्शन को काफी जरूरी है और इसी के चलते इस स्टेप को उठाया गया है। एरिया देख लें तो एरिया ये आपका, लोकेशन की बात करूं मैं तो सेक्टर 21 अलोंग यमुना एक्सप्रेस वे के पास ये बनाई जा रही है और कुछ 1000 एकड़ जमीन है, बहुत बड़ी जमीन हो गई, 1000 एकड़ जमीन में ये फैली होगी। इंडस्ट्रियल एरिया कुछ 780 एकर्स है, साथ ही साथ आपका 6 किलोमीटर ये जिवार एयरपोर्ट से है। तो देख सकते हैं आप, ये इसकी कुछ लोकेशन है। जोन्स की बात करें, एंट्रेंस एंड ऑफिस, शूटिंग एरिया, रेजिडेंशियल, थीम पार्क, आउटडोर लोकेशन, यूनिवर्सिटी एंड स्टूडियो रूम्स और एयरपोर्ट वगैरह, तो काफी कुछ फैसिलिटीज भी दी गई है। अब आप हमें बताएं, हमने आपको समझाया कि आखिरकार ये क्या है पूरी बात, आप अपना व्यू प्यारा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, प्लीज लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS। हैव अ वंडरफुल डे, लव लव।